Hello everyone, this is Priyanka here. Welcome to Priya's Magical Kitchen. How are you all? Hope you all doing well. Hello. Hi. Say hi in comment. Wait. Hello. हाय सौम्या, चलो फटाफट लाइव आ जाइए। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। एक्चुअली काफ़ी बिजी शेड्यूल था इसीलिए, और काफ़ी लोगों को ये सीखना था कि आइसो माल्ट की शेल जो है वो कैसे बनाते हैं। सो आज हम वो ही बनाएंगे और रेड वेलवेट केक बनाएंगे। हाय अनीता, हाय छाया, हेलो प्रीति, हाय दीपिका। थोड़ा वेट करेंगे हम, ओके। काफ़ी तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, जो न्यू है वो फॉलो कीजिए पेज को, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें। हाय अपर्णा, सो आज हमारा आइसोमाल्ट शेल ट्यूटोरियल है। सो वीडियो क्लियर है, बस मुझे बताइएगा वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। सो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। हाय विकास, हेलो अमृता, रेड वेलवेट स्पॉन्ज नहीं बनता मुझसे, प्लीज शेयर द रेसिपी। रेड वेलवेट स्पॉन्ज में आपको आप जो भी रेसिपी यूज कर रहे हो उसमें आपको जो कोको पाउडर है वो एकदम लाइट कलर का कोको पाउडर यूज करना है, और रेड कलर जो आप यूज करोगे वो प्रॉपर रेड यूज करना है। ऐसे नहीं कि रसबेरी रेड या टोमेटो रेड, इससे कलर अच्छा नहीं आएगा। आपको प्रॉपर रेड कलर ही यूज करना है। मनीषा जी, अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज आइसोमाल्ट, और लोगों को जुड़ने देते हैं। तब तक आप वीडियो अदर ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। हेलो हेलो, हाय, आज हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। हाँ निया, नहीं डियर अनिला, मैं मेरे जो भी स्पॉन्ज हैं एग वाले रहेंगे या फिर एगलेस रहेंगे, वो टोटली बेकरी स्टाइल होते हैं डियर। मैं अनिला फ्रॉम पाकिस्तान, ओके हाय। कैरेमल कलर, इट्स अ ब्राउन कलर ना। आज मैं आपको मेरे मैक्रोन्स भी दिखाऊंगी, ओके। सो स्टार्ट करें हम। ओके, यहाँ पे आपको ओके ओके आ जाए ना आगे।
Hi friends, my name is Yana. How are you all? कुछ और क्या पूछना? Today we are making red velvet cake. अच्छा, क्यों बना रहे हैं red velvet cake? याना सिक्स स्टैंडर्ड में गई है अभी. Yes. मैम, ज़्यादातर मैंने ज़्यादातर देखा है रेड वेलवेट के स्पॉन्ज में बटर डाले जाते हैं, फ्रिज में रखने के बाद हार्ड हो जाते हैं. डियर, मेरे सारे एक तो केक्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, मैं बटर भी यूज़ नहीं करती हूँ. सिंपल रेसिपीज़ हैं मेरे स्पॉन्ज की. आपको अगर बेसिक टू एडवांस ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको स्पॉन्ज की रेसिपीज़ भी मिलेगी और बेसिक से लेके एडवांस तक के अभी तक के जो भी केक्स है वो सब उसमें इन्वॉल्व है. देन जिसको आपको सिर्फ स्पॉन्ज का क्लास करना है, एग वाला या एगलेस वाला, उसके भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है. 12+ क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन, सो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. लाइफ टाइम वैलिडिटी है. ओके, सो वाव, इतना सारा सामान. चलो स्टार्ट करते हैं हम. यस. ओके, सो रेड वेलवेट स्पॉन्ज के लिए, रेड वेलवेट केक के लिए आपको क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग करनी होती है. सो यहाँ पे मैं डेरिक्टा का क्रीम चीज़ यूज़ करती हूँ. तो आपको क्या करना है, रेड वेलवेट स्पॉन्ज सिंपल आपको वाटर से सोक करना है. चाहो आप मिल्क से भी सोक कर सकते हो. अभी क्रीम चीज़, सिर्फ क्रीम चीज़ ही नहीं लगाना है इसको. आपको क्या करना है, जैसे आप हाफ कप अगर क्रीम चीज़ ले रहे हो उसमें 1/4 कप आइसिंग शुगर ऐड कीजिए. क्रीम चीज़ एंड आइसिंग शुगर. ओके, जैसे हाफ कप क्रीम चीज़ है तो 1/4 कप आइसिंग शुगर, आधा आइसिंग शुगर लेना है. दोनों को अच्छे से बीट करना है, फ्लफी करना है. देन आपको डिपिंग क्रीम में इसको मिक्स करके यूज करना है. ओके, आप वनीला एक्स्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो, हाफ टी स्पून वगैरह, टेस्ट और भी अच्छा आएगा. सो सबसे पहली लेयर में सिंपल क्रीम चीज की लगा रही हूँ. उसके बाद मैंने जो क्रीम रखा है फ्रिज में उसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम चीज ऐड करके बीट किया है. क्रीम को, व्हिपिंग क्रीम को आपको बीट करना है. देन उसमें आपको क्रीम चीज ऐड करके फिर से बीट करना है. But now smoother up, smoother up. Wow, this one smooth. Piping bag में देखो. Mom, it is so smooth. यस आरती जी, इट्स वेरी रिच फ्लेवर. सो आप जो भी बनाओगे सो क्रीम चीज़ का टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है रेड वेलवेट केक में. सो क्रीम में आप इतना क्रीम चीज़ डालिए कि सिर्फ, मतलब जब आप व्हिपिंग क्रीम में क्रीम चीज़ ऐड कर रहे हो तो टेस्ट करके देखिए. ओके, ऐसे नहीं कि आपको मतलब क्रीम चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है, सो कोई मतलब नहीं है. इट आर नॉट लाइक पिंक कलर बिकॉज़ द स्पॉन्ज इज रेड. यस मम, यस डियर, बिकॉज़ रेड एंड ब्लू. सो ये है हमारी व्हिपिंग क्रीम जिसमें हमने क्रीम चीज ऐड किया है. ओके, सो इसकी हम एक लेयर लगाएंगे. बाकी स्पॉन्ज रिजर्व मध्य है. टू एज अ सर्कल शेप. अगर आप क्रीम के ऊपर आइसिंग कर रहे हो, या ना पे बैठ जाओ बेटा. अगर आप आइसिंग कर रहे हो कोई भी केक पे, सो बाकी लेयर जो है ना फ्रिज में या फ्रीजर में रख दीजिए. क्या होगा, आपको आइसिंग इजीली कर पाओगे. ये सब मेरे स्पॉन्ज जो है वो
एग वाले हैं। स्मृति जी, क्रीम चीज ओपन करने के बाद वहां पे एक्सपायरी डी होती है, तो टिल एक्सपायरी आप यूज कर सकते हो। ओके, किसको सोक नहीं किया? स्पॉन्ज को सोक किया है ना डियर? स्पॉन्ज सोक करना तो जरूरी है, आप चाहो मिल्क से कीजिए या फिर वाटर से कीजिए, लेकिन सोक करना बहुत जरूरी है। ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसमें मैंने क्रीम चीज ऐड किया है। ओके, क्रीम चीज ऐड करके आपको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छे से स्टीफ हो जाए, क्योंकि अगर क्रीम चीज काफी लूज है आपका तो वो स्टीफ होने में टाइम लगता है। इसलिए जो मेजरमेंट बताया है, अगर आपका हाफ कप क्रीम चीज है तो 1/4 कप आप आइसिंग शुगर ऐड कीजिए, पाउडर शुगर ऐड मत कीजिए। आइसिंग शुगर से क्या होगा, जो आपका क्रीम चीज है वो जल्दी स्टीफ हो जाएगा फ्रीजर में, फ्रीज में रखने के बाद, या फ्रीजर में रखोगे तो भी चलेगा। शादी के लिए क्रीम चीज वाली पढ़ा, हाँ ती पढ़ा मैंने दोनों पढ़ा। सोनल जी, व्हिपिंग क्रीम को आपको क्रीम को व्हिप करने के बाद फ्रीजर में नहीं रखना है, एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज में ही रखना है। ओके, अगर आपको ज़्यादा दिन यूज करना है, मैक्सिमम आप 3-4 डेज यूज कर सकते हो, वो भी स्टफिंग में। हाँ डियर, अच्छा है, ब्रिटानिया क्रीम चीज भी अच्छा है। मैं हमेशा से अभी डेलेक्टा का यूज़ करते आई हूँ, सो मुझे यही पसंद है, बट आप यूज़ कर सकते हो। फ्रीजर से बाहर फ्रीज में रखिए। चॉकलेट गार्निशिंग के लिए चॉकलेट डबल बॉइल करके चॉकलेट मेल्ट, हाँ आप कर सकते हो, डबल बॉयलर पे भी आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हो। कितना टाइम करना है? जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक करना है डियर। रश्मिता, हाय प्रिया, हाउ आर यू? आई एम गुड रश्मिता, हाउ आर यू डियर?
सोनल मैम, व्हिप क्रीम को फ्रीजर से बाहर कितने दिन? फ्रीजर से बाहर मीन्स फ्रिज में रख सकते हो, ओके? रूम टेम्परेचर पे नहीं, ये फ्रोजन करके आपको रखना होता है। कीर्ति पाटिल चौधरी मैम, आपके लाइव वीडियो देख के मुझे दो ऑर्डर मिले थे, थैंक्स। सो स्वीट, कीप इट अप डियर। मैम ये क्या लगा रहे हैं पैकेट बताइए, चीज़ पे? ये डिलिक्टा का क्रीम चीज़ है डियर। क्रीम चीज़ में आपको आइसिंग शुगर ऐड करना है, जैसे हाफ कप क्रीम चीज़ है तो 1/4 कप आपको आइसिंग शुगर ऐड करनी है और बीट करना है उसको, देन फ्रिज में या फ्रीजर में रखना है स्टीफ होने के लिए। उसके बाद आपको व्हिपिंग क्रीम में ऐड करना है, आपके टेस्ट के अनुसार इसको ऐड करना है आपको। क्रीम चीज का टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐड करना बंद कर दीजिए। जय अग्रोवर, आर यू वेयरिंग योर डॉक्टर स्टॉप? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेकअप अच्छा है। मेरी बेटी छोटी है डियर, उसके कपड़े मुझे कैसे होंगे अभी से। सिक्स लेयर है डियर यहाँ पे, आज सिक्स लेयर का केक हम बना रहे हैं।
नीलम अग्रवाल आई एम वन ऑफ लर्न डोनट्स हाँ डियर रेड क्लासेस अवेलेबल है उसमें आपको डोनट भी सीखने मिलेगा स्मृति ओबेरॉय वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव मैं नवी मुंबई से हूँ कामोठे में शुभांगे से जाए हेलो स्मृति ओबेरॉय यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन थैंक यू डियर इसको अभी हम थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे तब तक मैं आपको आइसोमाल्ट शील कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी फ्रीजर में लैंग्वेज नहीं समझ पा रही हूँ डियर इंग्लिश में या हिंदी में बात कीजिए सुजीत खान मैम बंगाली नहीं समझ में आती है हमें मैम दिस इज इंग्लिश नहीं डियर ये एग वाला स्पॉन्ज है मैं अपनी क्लासेस में बेसिक टू एडवांस केक क्लास है उसमें मैं एगलेस स्पॉन्ज सिखाती हूँ बेटी से नीलम जी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ओके मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी तो हम अभी आइसोमाल्ट शेल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे आइसोमाल्ट शेल क्या होता है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ उमेश फ्रीजर मध्ये ते ठेवला ना आणि हे क्रीम ला पण सी दिस इज आइसोमाल्ट शेल जो इससे हम बनाते हैं एक शुगर क्रिस्टल ही होता है ये ओके आइसोमाल्ट मीन्स वन टाइप ऑफ शुगर बट इसको हमें मेल्ट करना है ये कैरमलाइज नहीं होगी सो क्या करना है इसमें आपको वाटर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ओके डायरेक्टली पैन लेना है स्टील का पैन लीजिए सबको शेल दिखाई दे रहा है ये इस तरह का हमें शेल बनाना है सो आप इसे कलर में भी बना सकते हो कोई भी कलर में बना सकते हो सो जस्ट आपको ये 1/4 कप लेना है जितना बड़ा आपको शेल चाहिए और गैस पे मीडियम टू लो फ्लेम पे ये अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जब मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब आपको सिर्फ स्पैचुला से हल्का हल्का इसको स्टर करना है पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है इसमें ओके बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है ये ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा ये शुगर कैरमलाइज नहीं होती है आइसोमाल्ट सो इसको हम अभी गैस पे लो टू मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करते हैं मेल्ट करने के बाद इसका लिक्विड कंसिस्टेंसी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी तब तक आपकी कुछ क्वेरीज हो तो पूछिए ठीक है उमेश नहीं तो मेल्ट होना थे डायरेक्टली मेल्ट होना
वो अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ पेशेंस रखिए, ऐसे नहीं कि आपने फ्लेम बढ़ा दिया, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही उसको मेल्ट करना है। थोड़ा बढ़ा स्मृति जी, सबसे पहली बात तो अगर आप टॉल केक्स बना रहे हो या टू टायर केक्स बना रहे हो तो ज़्यादा सोक मत कीजिए, ओके? क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा सोक करोगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है, और स्टिक डालना बहुत ज़रूरी है टॉल केक्स है तो। कैन वी मेल्ट इन टॉप? यस डियर श्रुति जी, अगर आपका शेल आइसोमार शेल बिगड़ गया है, सपोज प्रॉपर शेप नहीं आया, तो आप उसको ब्रेक करके फिर से आप मेल्ट कर सकते, मतलब ये रीयूज कर सकते हैं उसका। पल्लवी जी, ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आइसोमार सी। अश्विति जी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो भी क्लास की डिटेल्स चाहिए मैं आपको सेंड कर दूंगी, ओके? मैक्रोन्स दिखाना, मैं आपको मैक्रोन शो करती हूँ, तीन ही प्रकार छोटा डब्बा मध्य एक काली प्लेट के सुजीत खान, ये आइसोमाल्ट आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, बेकर्स विले की साइड में भी मिल जाएगा। मैम केक में कुछ कलर देती हूँ, मतलब ये जो रेड वेलवेट केक है इसको आपको स्पॉन्ज में तो कलर देना ही होता है। मैंने एक वाले मैक्रोन्स बनाए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। मैक्रोन्स, ये एग वाले मैक्रोन्स है, फ्रेंच मैक्रोन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो एग वाली ही होती है, एक्वाफाबा से भी बनते हैं। अभी काफी लोग एक्वाफाबा से भी बनाते हैं या प्रोटीन पाउडर से भी बनाते हैं। महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, ये है हमारे मैक्रोन्स और ये हमारा मेल्ट हो गया है अभी आइसोमाल्ट। सो देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, अभी इसको एकदम गरम गरम नहीं पोर करना है, इसको थोड़ा रेस्ट दीजिए 2 मिनट्स, काफी हॉट होता है ये, बहुत गरम होता है। सो इसको क्या करेंगे, इस तरह की आपको मैट सिलिकॉन मैट लेना है, सिलिकॉन मैट के ऊपर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इसको स्प्रेड कीजिए। अभी इस तरह से कोई भी आप हाइट वाला जग या जो भी होता है वो ले लीजिएगा और उसके ऊपर इसको
इस तरह से रख देना है। सो ज़रा संभाल के यूज़ कीजिए क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, बहुत ज़ोर से चटका लगता है इसका। सो इस तरह से अभी क्लिप्स देना, कितने क्लिप्स उसमें क्लिप्स, हाँ दे, थैंक यू। सो हम ये क्लिप्स लगाएंगे ताकि इसका प्रॉपर शेप आ जाए, और इसको ड्राई करने के लिए आपको रखना है पैन के नीचे। ये 10-15 मिनट में ही ये अपना सेट हो जाएगा, एसी के नीचे रखोगे फटाफट हो जाएगा ये। आप चाहो तो इसमें कलर्स भी ऐड कर सकते हो। क्लिप्स अच्छे से लगाओगे तो ये प्रॉपर आपका शेल बनेगा, है ना। आप कोई मॉल्ड में भी इसको डाल के, जैसे चॉकलेट्स के मॉल्ड्स है ना आपके पास, तो उसमें भी आप इसको पोर करके बना सकते हो। कोई बटरफ्लाइज है, ये ट्रांसपेरेंट बनेगा। अगर कलरफुल चाहिए तो आपको जैसे लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसके बाद आपको इसमें कलर ऐड करना है, लिक्विड कलर। ओके, लिक्विड कलर आप ऐड कर सकते हो, जस्ट स्टर करना है और पोर करना है। अभी इसको सेट करने रख देते हैं पैन के नीचे। उसके बाद इसको हल्के से रिमूव करना है, एकदम ये पूरा सेट हो जाएगा। 10 मिनट में अगर सेट नहीं हो रहा है तो रुक जाइए आप, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती निकालोगे, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। अदरवाइज़ ये नाजुक रहते हैं, डेलिकेट होता है काफ़ी, तो ये टूट सकता है, इसीलिए इसको पूरा सेट होने दीजिए। ओके, उसके बाद ही आपको इसको रिमूव करना है। सो ये है हमारे मैक्रोन्स, एग मैक्रोन्स है। कैसे लग रहे हैं मैक्रोन्स, आपको पसंद आए? हम पहले रख देते हैं सेट करने।
एक आंच तो अभी हम केक को कवर करेंगे क्रीम से। सो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। एक लेयर हम व्हाइट की, एक लेयर रेड की, इस तरह से। टिश्यू पेपर आणि याला केस मध्ये किंवा प्रेसर मध्ये शेल तीन आहे व्हाईट आहे।
पेरिक्स वाचून दाखव मला. Can we melt the topper again? ज़्यादा मतलब कहाँ मिलेगा लेकिन ऐसे मल्ट का संगीता ऐसे मल्ट काइंड ऑफ योर व्हाट्सएप लिंक ज़्यादा शक्ति में संग नंबर करते हैं. व्हाट्सएप नंबर मेरा 8652890119 या फिर 9320441102. मैं मैसेज में आपको कमेंट में शेयर करती हूँ व्हाट्सएप नंबर. ओके सो हम रिपीट सटी जुम्मा चक्रवर्ती मैम केक में कौन सा कलर डाला है? स्पॉन्ज में मैंने रेड कलर ही यूज किया है. डियर रेड वेलवेट केक है तो आप कोको पाउडर लाइट कलर का यूज कीजिए. देन जो रेड कलर होता है वो प्रॉपर रेड लेना है आपको. ऐसे नहीं कि टोमेटो रेड या फिर रसबेरी रेड ऐसे नहीं चलेगा. ओके तभी वो अच्छा कलर आएगा. प्रकाश मैम टेस्ट में कैसे होता है? बहुत डिलीशियस होता है. क्रीम चीज केक है ये. दामिनी शर्मा वाटर और जेल कलर आप कोई भी यूज कर सकते हो. वाटर कलर भी यूज कर सकते हो. चलो प्रिज्म ज्यादा शेड. इफ सिलिकॉन मैट इज नॉट अवेलेबल व्हाट वी कैन यूज? सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हो. ओके बटर पेपर पे भी कर सकते हो जाएगा. अभी हमें करना है ड्रिपिंग. सो गोल ड्रिप कैसे करना है घर में कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ आपको. हाँ रोही जी गोल डस्ट लगाया है जो मैंने आइसोमाल्ट का शेल बनाया है उसको उसमें. सो आप गोल डस्ट में थोड़ा सा एवेपोरेक्स लिक्विड एवेपोरेक्स ऐड करके आप लगा सकते हो. ओके चॉकलेट बफरी की काय म्हणते तो पर्यंत मी ते आणते. एक मिनिट
गोल्ड ड्रिप कैसे बनाएंगे, न्यूट्रल जेल लेना है आपको, नहीं नहीं टॉन टेबल स्टील असतो, सो न्यूट्रल जेल देंगे हम, इसमें आपको ऐड करना है गोल्ड डस्ट, अच्छे से मिक्स करना है, ये गोल्ड ड्रिप आपका रेडी है एकदम, ओके। आपको थिन चाहिए सो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो, बट ये कंसिस्टेंसी मुझे ठीक लग रही है। नेहा मनवानी आइसोमाल्ट कैसा मिलता है वो दिखाओ, ये है आइसोमाल्ट, ऐसे रहता है, क्रिस्टल शुगर है ये, बट ये कैरमलाइज नहीं होता है, मेल्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा ये। हितवी मुझे व्हिच टर्नटेबल यू यूज्ड, ये मेटालिक है सो मुझे ऐसे लगा ये स्टील का है, ये बॉटम तो स्टील का है लेकिन काफी हेवी है इसका। रेड वेलवेट एसेंस चाहो तो आप डाल सकते हो, रेड वेलवेट अरोमा मिलेगा वो आप यूज कर सकते हो, बट मैंने नहीं यूज किया है क्योंकि उसका टेस्ट ऐसे ही क्रीम चीज से बहुत अच्छा आता है। मैक्रोन्स के सो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे डियर, इसकी रेसिपी आपको प्रोफेशनली मेरे क्लासेस में ही आपको सीखने मिलेगी। हाँ एगलेस भी मैक्रोन रहेंगे मेरे क्लास जो रहेगा वो एग वाले मैक्रोन्स का भी क्लास रहेगा विद एग एंड विद विदाउट एग। कुल्फी फालूदा केक में क्या कलर कॉम्बिनेशन करें, योर चॉइस डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे कुल्फी फालूदा है तो उसमें कुल्फी फालूदा क्रश आता है वो पिंक कलर में होता है सो पिंक ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन दे सकते हो। तो ये गोल्ड ड्रिप है, जो भी न्यू है आज मेरे लाइव पे फटाफट आप फॉलो कीजिए पेज को ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। सो हम यहाँ पे ड्रिप करेंगे, नाइट में आप फोंडेंट टॉपर्स बना के रख सकते हो, फैन के नीचे रख दीजिए या एसी के नीचे रख दीजिए, वो हार्ड हो जाएंगे।
प्रॉपरली आपको ड्राई करना है, या फिर अगर बारिश का सीजन है तो एयर टाइट कंटेनर में रखिए, अदरवाइज मॉइस्चर लग सकता है और वो स्टिकी बनेंगे। फिर कपकेक मफिन्स एंड ब्राउनीज का ऑनलाइन क्लास है क्या? ब्राउनीज का स्टार्ट हो जाएगा, कपकेक्स हेल्दी कपकेक्स का है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए जिनको क्लासेस की डिटेल्स चाहिए। अंजुम खान किस चीज का ड्रिंक है? ये न्यूट्रल जेल है जिसमें हमने गोल्ड डस्ट ऐड किया है। रूपाली रूपे पाड़ी मैम, कपकेक कौन से डिग्री पे करना है, कितने मिनट बेक करना है? अगर आपको थोड़ा क्रैकी चाहिए मफिन्स जैसे, सो आप 180 पे कीजिए, या फिर आपको उसके ऊपर मतलब प्रॉपर डोम शेप में चाहिए सो आप 160 डिग्री पे कीजिए। मॉर्टी रिचर्ड का कन्वेक्शन है? यस क्लियर हो जाएगा। दिनों के बाद में आए? यस डियर, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, काफ़ी बिजी शेड्यूल था इसीलिए मैं आज का भी बिजी था, बट काफ़ी दिन हो गए थे ना, और मुझे मैसेज भी आ रहे थे मेन बात। ओके सो इसके ऊपर हम आइसोमाल्ट शेल रखेंगे। इससे इसके अंदर कुछ मैक्रोन्स है मेरे पास, वो मैं ऐड करूँगी, स्टार वाले आणि गोल्डन चॉकलेट्स बनाते। अनीता जी व्हाट्सएप किया था आपने, मैं चेक कर दूंगी। ओके ये केक है 1.5 केजी का है, 6 लेयर का है, 6 लेयर में स्पॉन्ज को कट किया गया है। मैम रेड वेलवेट केक का लाइव करेंगे क्या? डियर अभी तो रेड वेलवेट, अच्छा स्पॉन्ज, यस स्पॉन्ज का मैं करूँगी। ओके डोंट वरी, चॉकलेट ससनर गोल्डन नहीं नहीं एक तरह है तिथेस फ्रीजर मध्ये। कैसे लग रहा है प्लीज कमेंट में बताइए मुझे कि आपको आज का केक पसंद आया।
रूपाली धोके आंसर कह रहे हैं। रूपाली जी मैंने आंसर किया है, प्लीज आप चेक कर दीजिए। क्या मैम कपकेक्स कौन से डिग्री पे? हाँ जस्ट मैंने बताया है कपकेक्स को आपको अगर प्रॉपर डोम शेप में चाहिए, उसके ऊपर टॉपिंग करनी है, सो आपको क्या करना है 160 डिग्री पे बेक करना है। अगर आपको क्रैकी चाहिए टॉप में मफिन जैसा टेक्सचर चाहिए, सो आप 180 डिग्री पे कर सकते हो। So, ये है हमारा आज का केक। कितना टाइम बेक करना है? 20 मिनट्स मफिन्स या कपकेक्स को 20 मिनट्स तक बेक करना है बस। अनिता प्रकाश मैंने आपसे व्हाट्सएप भी किया था। हाँ जी मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है अरे ये खाने में कैसे होता है? होता है शेल, जो शेल है शेल ये जो है ये स्वीट रहता है, शुगर की तरह ही लगेगा। ये दे बटर प्लेस का दे ना बाबा, शेल सेंटर मत है ना ये दे। सो हमारे पास ये केक का प्राइस क्या होगा? मीता ने पूछा है क्वेश्चन। केक का प्राइस जैसे रेगुलर रेड वेलवेट केक का जो प्राइस है वो 1300 रुपीज़ केजी है। सो अगर आप एक्स्ट्रा डेकोरेशन कर रहे हो, मैक्रोन्स लगा रहे हो, सो ऑब्वियसली उसके चार्जेस बढ़ेंगे। लीना मौकर ने पूछा है हाउ डिड यू गेट दैट शेप फ्रॉम द राइस शीट? राइस शीट दिस इज नॉट राइस शीट डियर, ये राइस पेपर नहीं है, ये आइसोमाल्ट है। राइस पेपर का मैंने बताया था, आप मेरे वीडियोस ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हो, आपको दिख जाएगा। ओके क्वेश्चन पूछा है मैम इसमें कलर कौन सा डाला है स्पॉन्ज में? स्पॉन्ज में रेड कलर ही है, ब्लॉसम का रेड कलर मैंने यूज किया है। अर्जिता डे ने पूछा इस केक का प्राइस कितना है? इस केक का प्राइस 1.5 केजी का है, सो 2K के ऊपर ही जाएगा। प्रियंका अग्रवाल गुप्ता ने पूछा है मैम जो केक का बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रीमिक्स का केक बनाए या मैदे वाला? डियर डिपेंड्स टेस्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। सो प्रीमिक्स के केक अगर बना रहे हो सो आपको उसको फ्लेवर बहुत अच्छा देना होगा, तभी वो अच्छा टेस्ट करेगा। सुनीता उबट ने बोला है इट्स नाइस, अंकिता ने बोला यस मैम आज बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू ऑल विना मौसम सो फटाफट बाउल मध्ये ठेवला होता राइस शीट। हाँ वो मैं आपको दिखाती हूँ जो असा शेप आला नहीं, राइस शीट असा शेप का नहीं आला। राइस शीट को बोल में रखा था, उल्टा करके रखा था, तो उसको टोटली ड्राई करना होता है, पूरा ड्राई करने के बाद ही उसको आप रिमूव कीजिए, तभी वो शेप आएगा उसका। अच्छा प्रियंका गुप्ता बहुत सुंदर है केक। अश्वति केक इज वेरी ब्यूटीफुल लाइक यू मैम, रूपाली झोपे बड़ी थैंक यू मैम। ओके सो और कुछ? सो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आगे भी मैं रेसिपी लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम। ड्रॉप्स में क्या बता नहीं सकती हूँ मैं कि आ रहा हूँ आनंद। ड्रॉप्स में क्या लिक्विड है? ड्रॉप्स में
कौन सा आइस क्रीम? अच्छा ये जस्ट बताया डियर, मैंने न्यूट्रल जेल लिया था। आप घर में गोल्ड ड्रिप कैसे बना सकते हो? मार्केट में गोल्ड ड्रिप तो मिल जाता है, रेडीमेड मैजिक कलर का गोल्ड ड्रिप मिल जाता है, सो आप घर में कैसे बना सकते हो? सिंपल सा न्यूट्रल जेल लेना है आपको, न्यूट्रल जेल तो पता ही होगा, उसमें आपको जस्ट गोल्ड डस्ट मिक्स करना है अच्छे से और ड्रिप करना है, बस दैट्स इट। आरोही बोल रही कि कलर दिखाओगे आप जो स्पॉन्ज में डाला है? हाँ सर। ब्लॉसम का कलर है, मैं शो कर रही हूँ। स्पॉन्ज के लिए मैं ये कलर मैंने यूज किया है, ब्लॉसम का अच्छा है कलर, मिस का अच्छा है, लिक्विड कलर चलेगा, कोई भी लिक्विड कलर चलेगा। प्रियंका अग्रवाल गुप्ता, आपका कौन सा क्वेश्चन था? प्रियंका आपका आंसर आपको मैम ने दे दिया है, बटरफ्लाई एडिबल? नहीं डियर, बटरफ्लाइज बस डेकोरेशन के लिए है, पेपर के बटरफ्लाइज बने हैं। आजकल डेकोरेशन का काफी कुछ सामान मिल जाता है, सो इजीली आप डेकोरेट कर सकते हो, बट कस्टमर को ये जरूर बताइएगा ठीक है कि जो एडेबल आपने लगाया है वो बताइए, जो नहीं है नॉन एडेबल है वो भी बताइए, क्योंकि ऐसा ना हो किड्स वगैरह होते हैं सो सुरक्षा रखवानी है। बोला मैम यू आर अमेजिंग, थैंक यू। हरीना डे बोल रही मैम मैक्रोस कहाँ से खरीदूं? नॉट यार, मैं क्यों खरीदूंगी, मैक्रॉन्स में खुद बनाई हूँ मैंने। वो पूछ रहे कि मैं कहाँ से खरीदूं? ओके, आपको कहाँ से खरीदना है? आई एम नॉट, उनका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। मैक बेकरी में मिल जाते हैं एक्चुअली? हाँ मिल जाएंगे, केक शॉप में भी मिल जाएंगे आपको मैक्रॉन्स। अंजुम खान ने पूछा है केक का प्राइस क्या है? 2K के ऊपर ही है ये डियर, क्योंकि एक तो रेड वेलवेट केक है, हम क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि व्हाइट क्रीम लगा दिया। काफ़ी बेकरीज में आपको ना रेड वेलवेट केक सिर्फ व्हाइट क्रीम का मिलेगा, बट प्रॉपर अगर आपको रेड वेलवेट केक खाना है सो उसमें क्रीम चीज़ ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो क्रीम चीज़ के बिना तो रेड वेलवेट तो बिल्कुल रेड वेलवेट है ही नहीं। वो वीना मावकर बनता है, वेज मैक्रॉन चीज की रेसिपी सांगाना डियर। मेरे प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे सो आपको मेरे क्लासेस में ही वो सीखने मिलेगा। अरीना डे बोल रही है कि क्रीम चीज कब तक स्टोर कर सकते हैं? टिल एक्सपायरी आप स्टोर कर सकते हो इसको। अंजलि बोल रही है कि आपने ब्लॉसम का जेल कलर यूज किया है? यस, मल्टीपर्पज कलर है ब्लॉसम का, सो आप यूज कर सकते हो, अच्छा है ब्रांड। बबली सिंह पूछ रही है कि टॉपर कैसे बना है? एक्चुअली बोल रहा है जस्ट बताया था ना मैंने अभी, फिर से वीडियो देखी है। आप वीडियो अपलोड हो जाएगा सो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं वो आइसोमाल्ट का शेल जो है वो बन गया है सो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वो अच्छा सेट हुआ है या नहीं। कुसुम बोल रही है यू आर रियली नाइस पर्सन, थैंक यू। टॉपर बताया है डियर, मैं जस्ट अभी शो करूंगी। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है सो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। सो ये सेट हो गया है इसका, हम मैक्रॉन्स की क्लास अपडेट आपको मिल जाएगा, फीस अपडेट मिल जाएगा आपको जब भी स्टार्ट होगा। सिक्स
शेप में काफी डेलिकेट है तो सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो एक साइड से इस तरह से टूट जाता है, है ना। सो आप काफी इसको अच्छे से हैंडल करना है जब तक सेट नहीं होता है। इसको आप गोल्ड डस्ट कर सकते हो। ओके सो ये है हमारा आइसोमाल्ट का शेल। आप इसको कलर में भी बना सकते हो, जो चाहे आप कलर दे दीजिए या फिर इस तरह से ट्रांसपेरेंट रखिए और इसको गोल्ड या सिल्वर आप डस्ट लगा सकते हो, बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखता है। कुसुम बोल रही है कि आइसोमाल्ट केक पे लगा के फ्रिज में कितनी देर तक रख सकते हैं? आप रख सकते हो डियर टिल कस्टमर को दे, मतलब जब तक केक कट नहीं होता है तब तक ये अच्छा रहेगा। ओके और किसी और क्वेश्चन? ओके सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई है। किसी को छूटता है तो और कुछ किसी को पूछना है या फिर हम अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी ही। ओके सो जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है सो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे और अच्छी अच्छी रेसिपीज केक्स डिज़ाइंस मैं आपके लिए लेते आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही आज मेरे पेज पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। अरीना जी नहीं, आप क्रीम चीज़ को फ्रिज में ही रखिए, फ्रीज़र में नहीं रखा जाता है, फ्रिज में ही नीचे के डोर में ही आपको इसको स्टोर करना है। ओके फ्रीज़र में स्टोर नहीं करना है। ट्विंकल जी आप बना के रख सकते हो बट मतलब 2 डेज मैक्सिमम, क्योंकि ये शुगर का होता है सो मैक्सिमम 2-3 डेज आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, आराम से बाहर रख सकते हो। अच्छे से अगर ये सेट हो गया तो एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए तो ये अच्छा ही रहेगा। केक का प्राइस बताया ना डियर, 2K के ऊपर ही रहेगा क्योंकि एक तो हमारा ये 1.5 का केजी का केक है, देन रेड वेलवेट विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग है। ओके जितना ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन रहेगा ऑब्वियसली उसके चार्जेस आपको इंक्रीज करना है। चलो बाय, टेक केयर, अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी ही। बाय बाय, सी यू सून, बाय, टेक केयर, चलो बाय।